प्रोग्राम में बड़ी जानकारी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी भी जारी है। कर्नाटक में ये जो यात्रा है वो जारी है। आज इस यात्रा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी शिरकत करेंगे। केरल से शुरू हुई यात्रा अब कर्नाटक पहुंची है। कल सोनिया गांधी भी यात्रा में शामिल हुई थी और जिस तरह की तमाम जो तस्वीरें हैं राहुल गांधी की ओर से, सोनिया गांधी की ओर से नजर आई थी। अब इस यात्रा को नया रूप देने के लिए, मजबूती पहुंचाने के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी कर्नाटक पहुंचेंगी, क्योंकि यहां पर करीब 3500 किलोमीटर की जो यात्रा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चल रही है। और अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा किस तरह से मजबूत होती नजर आई, तमाम तस्वीरें नजर आई। और अपने बेटे को और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को, संगठन को मजबूत करने के लिए बीते दिन कल जिस तरह से सोनिया गांधी की ओर से तमाम तस्वीरें नजर आई, यहाँ पर जो माँ बेटे का प्रेम है वो भी सोशल मीडिया पर तैर रहा था और उसको लेकर तमाम तस्वीरें नजर आ रही थी। अब यहाँ पर भाई का साथ देने के लिए बहन भी पहुंच रही, यानी सीधे तौर पर भाई बहन की जो तस्वीरें हैं कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नजर आएगी। क्या कुछ संदेश दिया जाएगा, किस तरह से असर पड़ेगा, किस तरह से कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तस्वीरें बदलती हुई नजर आएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो कर्नाटक में जो यात्रा है वो प्रवेश कर चुकी है, यहाँ पर समय हो चुका है, कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य होगा, पर यहाँ पर तमाम जो तस्वीरें वो भी आ रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अहम जानकारी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों कर्नाटक में है, कर्नाटक में प्रवेश कर चुकी है। गुरुवार को इस यात्रा में सोनिया गांधी, सिद्धरमैया शामिल हुए थे। अगले साल यानी 2023 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, जातीय समीकरण को यहां बदलना है, तस्वीरों को बदलना है, उसी की यहां पर कवायद हो रही है। यहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। कांग्रेस यहां दोनों दिग्गज नेता सिद्धरमैया और पूर्व कैबिनेट मंत्री डीके शिवकुमार को समान महत्व दे रही है। तो यहां पर जो तवज्जो है वो इन दोनों नेताओं को बराबरी से दिया जा रहा है। कांग्रेस दोनों नेताओं के बीच संबंधों को मजबूत कर कार्यकर्ताओं में एकता का संदेश देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को केरल से शुरू हुई थी। 7 सितंबर से केरल से शुरू हुई, कर्नाटक पहुंची, 21 अक्टूबर तक यात्रा जारी रहेगी। आज प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो रही हैं।